हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड एडिशन ऑफ यूमिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। वीकेंड बोले तो मस्ती मजे और एंटरटेनमेंट का दिन, और यूमिया टीवी को तो आप जानते ही हैं। यूमिया टीवी आपके एंटरटेनमेंट का रखता है पूरा ख्याल, इसलिए आज यूमिया टीवी आपके लिए लेकर आया है अ डे विद गौरी। गौरी नहीं, ये है अंजुम। आज साजिश नहीं, आज होगी मस्ती। देखिए अ डे विद गौरी। बालिका वधु की गौरी को तो आप जानते ही हैं। अरे भाई, जग्या की दूसरी पत्नी आनंदी की सौतन होने की वजह से आप जितनी नफरत गौरी से करते हैं, उतनी ही प्यारी है अंजुम। गौरी का रियल नेम यही है, और अंजुम ने यूमिया टीवी के साथ बिताया एक पूरा दिन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी मुलाकात किसी खास स्पेशल गेस्ट से कराने वाली हूँ, जो फिलहाल मेरे साथ, और हम लोग यहाँ पे मिलकर खूब सारी मस्ती और धमाल करने वाले हैं। तो जानना चाहेंगे आप मेरे साथ कौन है? अंजुम यानी कि आप सबकी प्यारी सी गौरी। तो गौरी यानी कि अंजुम, ये बताइए हम लोग, मैं आपको लेकर आई हूँ जिस जगह, कैसी लगी मुझे पहले तो जगह बताइए। जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो टाइम जोन जो है, गेमिंग सेंटर, यहाँ पर मुझे जाना है। इससे पहले, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो पहले कुछ खाते हो अच्छा सा, फिर हम गेम खेलेंगे। और वो कहावत भी आपने सुनी है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। चलो ऑर्डर तो हमने कर दिया अंजुम, ये बताओ जो ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर आने तक का जो ड्यूरेशन होता है, तो बहुत भूख लगी है तो कैसा फील होता है उसमें? जब बात खाने की आती है ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हूँ। जब मुझे भूख लगी होती है तब तो मुझे खाना चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि मुझे लगा कि हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, और जैसा पूरा नॉनवेज मेनू का, मुझे लगा आप कुछ नॉनवेज ऑर्डर करने वाली हैं, बट ये वेजिटेरियन कैसे? आई मीन बचपन से आप वेजिटेरियन हैं या फिर, क्योंकि मुस्लिम यू नो ऑलवेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं नॉन वेजिटेरियन। नहीं, मैं नॉनवेज भी खाती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ, ज़्यादा मैं वेजिटेरियन खाती हूँ। यही सेहत का राज सुनी? नहीं, ऐसा कोई राज नहीं है। मुझे बताइए कि मुंबई का कल्चर होता है, मुझे ये बताइए कि क्या चीज़ है एक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी मुंबई के बारे में, ना आम छी मुंबई लोकल? एवरीथिंग एक्चुअली, बस ट्रैफिक मुझे नहीं पसंद है, बाकी मुझे मुंबई के बारे में सब कुछ पसंद है। और मुंबई के अलावा किसी भी जगह पर मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। अच्छा, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि मुंबई माया नगरी, सपनों की मुंबई है, तो ज़्यादा यहाँ पे बॉलीवुड का क्रेज है लोगों को, तो कितना क्रेज है अंजुम को बॉलीवुड का? ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ही सिलेक्टेड मूवीज देखती हूँ, और मुझे बहुत कम मूवीज पसंद आती है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो वैसे मतलब आई रियली मैं बहुत ज़्यादा मूवी बक नहीं हूँ, आई बहुत सिलेक्टेड मूवी। मैंने बात तो टीवी से बॉलीवुड की ओर जाने की, तो उसके बारे में सोचा अंजुम ने बता? नहीं, मैं आई एम टू कंजर्वेटिव फॉर बॉलीवुड। मैंने ऑर्डर किया है पनीर शौरमा, जो मुझे बहुत पसंद है, और दूसरा है पिज्ज़ा, और पिज्ज़ा भी मुझे बहुत बहुत पसंद है। पिज्ज़ा मेरी भी चॉइस है यार, हमें भी काफ़ी चॉइसेस मिलती हैं, तो स्टार्ट करते हैं। या पिज्ज़ा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फूड इन द वर्ल्ड, तो आप पिज्ज़ा से स्टार्ट करेगा। घर का खाना बहुत पसंद होता है, और माँ के हाथ का स्पेशल, तो अंजुम माँ के हाथ के खाने की कितनी बड़ी फैन है? बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, शी इज़ अ वेरी गुड कुक। तो मुझे उनका जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मसाला डोसा, वो बहुत अच्छा बनाती है, मटन बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, और बहुत सारी चीज़ें। और मैं खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, लाइक मुझे हमेशा ना नया नया ट्राई करना होता है, नया नया नई नई चीज़ें खानी होती है, तो शी रियली एक्सपेरिमेंट फॉर मी। और अंजुम क्या अच्छा बना लेते हैं? मुझे खाना पकाने का भी बहुत शौक है, मुझे खाना खाने का और पकाने का दोनों का ही बहुत शौक है। मैं जो अच्छा बनाती हूँ, केक मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, एंड लाइक आई लाइक जो अच्छा जो केक बनाती हूँ वो है पाइनएप्पल केक, जो मैं काफ़ी अच्छा बनाती हूँ, और डार्क चॉकलेट चीज़ केक, जो मुझे बहुत पसंद भी है और जो मैं बनाती भी हूँ अच्छा।
खाने पीने के बाद मस्ती करने का जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है, क्यों अंजू? बिल्कुल। तो ये बताइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मुझे यहाँ सामने एयर हॉकी दिखाई दे रहा है, गेमिंग जोन में मतलब हम लोग आए हैं और फुल मस्ती धमाल करने वाले, बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं। अंजू कितना इंजॉय करते हैं आप गेम को? मुझे गेमिंग जोन इतने पसंद है, बचपन से ही मैं हमेशा, मुझे यहाँ पर आकर एयर हॉकी खेलना, बोलिंग करना और ये सारे जो कार रेसिंग गेम्स होते ये सब खेलना बहुत पसंद है। और सबसे पहले तो मुझे एयर हॉकी ट्राई करना है, तो चलिए वो जाकर ट्राई करते हैं। ओके, हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आई डोंट नो कि ये क्या है, बता दें अंजू मुझसे क्या करवाने वाले, क्या खिलाने वाले, पहले बता दीजिए प्लीज ये कैसे खेलना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पकड़कर इसे यहाँ पर अंदर जाने से रोकना है। मैं दो बार जीती। हाँ इधर देखो, मैं तीन बार जीती हूँ, तुम दो बार। देखो चीटर, ये सारे रिपोर्टर होते ही हैं चीटर। देखो मैं तीन बार जीती हूँ। ठीक है यार, तीन बार जीती, अब कुछ और खेलते हैं यार, मैं बार बार आ रही हूँ, मैं एक बार मुझे नहीं आता। ठीक है, जिसमें मैं जीतू ऐसा कोई गेम बताइए ना, जिसमें तुम जीतो। चलो कार रेसिंग करते हैं, कार रेसिंग रेसिंग मेरे बच्ची बात है, लेकिन मुझे सब आता ही नहीं, लेकिन अंजुम को मैंने काम पे लगा दिया। अंजुम मजा आ रहा है ड्राइव करते ना? हाँ स्टार्ट होते ही मैंने बैंग कर दिया है। ओके, कितना इंजॉय कर रहे हैं अभी? काफी स्लो है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड ड्राइव। ओहो, देखिए मैंने कहा था इस गेम में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे आती नहीं, इसलिए मैं बैठी नहीं। एक्सीडेंट हो गया ये तो। रोड लाइट है जिससे आप गाड़ी चला रही हो, रोड लाइट कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही हूँ मैं, वैसे जैसे सीरियल में डिस्ट्रक्शन करती हूँ वैसे ही इसमें कर रही हूँ। वाह डिस्ट्रक्शन है यार, डिस्ट्रक्शन में कितना मजा, दोनों में ही बहुत मजा आता है। वैसे ये ड्राइविंग ड्राइविंग बहुत जैसे लोग कहते हैं बहुत ईजी होता है, बट मुझे हमेशा से बड़ा मुश्किल लगा। आपका क्या ख्याल है? मैंने तो, मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है। ओके, तो एक बार फिर से मैं और अंजुम एक कॉम्पिटिशन लगाने वाले हैं, वो ये है कि ये बास्केटबॉल को हमें वहाँ निशाना लगाना है। सचमुच खेल खेल के हम लोग बहुत थक गए आज के अंजू। हाँ बहुत ज्यादा थक गए हैं और बहुत मजा भी आया, और इतना मजा आ रहा था कि हम लोग रुक ही नहीं रहे थे, वो खेलते ही जा रहे थे। और मुझे लगता है हम दोनों के बीच जो कॉम्पिटिशन चल रहा था ना, वो अगर हम रात भर भी खेलते तो वो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था उस चीज का। अंजू इतनी मस्ती करने कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को, दर्शकों को, हम इतनी मस्ती करते हुए आई मीन देख रहे हैं? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपने कैरेक्टर में एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों ने मुझे गौरी के लिए मुझसे नफरत की, कुछ लोगों ने प्यार किया, लेकिन ये सभी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। और लोग अगर जिन्होंने नफरत किया उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने वैसे उसे उस तरह से प्ले किया, अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी मुझे अपना प्यार देते रहिए और हमेशा से खुश रहिए, हमेशा से स्माइल करते रहिए और ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। आई डू जस्ट लव यू अंजुम की आप लोगों ने इतनी मस्ती बना ली, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सर, योर वेलकम। कैमरा पर्सन मिंटी सिंह के साथ आराधना पांडे, मुंबई, E24। यूमिया टीवी के वीकेंड स्पेशल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 1000 में जीविका मानवी की साड़ी।